डॉट चैनल प्रिया की राजा बाबू एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो गाइस अभी तो सुबह के 12 बज गए हैं और मैं हमारे ब्लॉग जो है इसे स्टार्ट करती हूँ। तो 12 मतलब सुबह क्या यार, दोपहर होने को है, लेकिन क्या करूँ यार, मतलब मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी। मैं सुबह से शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सुबह तो जानते हो रायरी तो ऑफिस में हर बड़ी रहते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो इसलिए मैं वो काम वगैरह करती हूँ ना, तो शूट मुझसे नहीं हो पाते। कभी कभी कर लेती हूँ ठीक है, लेकिन हर वक्त नहीं हो पाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं अपने लिए, भूख लगे है तो जूस बनाई हूँ, जैसे कि बताई थी आप लोगों को मैं बीट रूट का जूस पी रही हूँ। तो मैं तो वैसे नींबू नहीं डालती थी, ऐसे ही पीती थी, उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आजकल एक नींबू डाल के इसको जब पी रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो बस पी ले, खट्टा मीठा सा एक टेस्ट आते तो अच्छा लग रहा है बहुत। और गाइस जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारे देवर जी आ रहे हैं ठीक है, तो असम से आ रहे हैं देवर जी और उसकी बीबी बच्चा सब आएंगे, तो इसलिए घर को ना थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं और राय जी जैसे रहते हैं वैसे ही, तो मतलब नॉर्मली देखे हो हमारा घर कैसा है तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन पूजा के टाइम पे जैसे कि मेरी मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, फिर दीदी भी आ सकती है एक दिन, क्योंकि मेरे देवर जी आ रहे हैं, सबसे मिलना है। तो इसीलिए क्या हुआ कि आएंगे तो सब लोग रहेंगे कैसे, मैं इसी सोच में पड़ गई हूँ और इसी वजह से मेरा शूट करने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। तो मैं बस राय जी को वही बोल रही थी कि अभी तो घर का थोड़ा सा सफाई वगैरह करना है, तो कैसे क्या करेंगे, बेड वेड थोड़ा सा सेट करना है, ऐसे सोच रही थी। तो राय जी बोले तुम अकेले मत करो ऐसे, काम ज़्यादा हो जाएगा, ये वो बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए मैं वेट करूँगी ना यार, तो रात को, और रात को पूरा रात मिलकर हम लोग काम करेंगे क्या, यही सोच मैं बस पड़ गई थी। और वेदर की बात करूँ तो यार वेदर आज बहुत ही ज़्यादा मस्त है, अच्छा लग रहा है, शायद बारिश होंगे। ये देखो वेदर का हालत ठीक है, एकदम मतलब मेघला वेदर है, तो मुझे तो मस्त लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा है। तो इस वेदर पर अगर मुझे घर का काम भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़े तो कोई दिक्कत है नहीं उतना। आप लोग भी पियोगे, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो और यहाँ पे मैंने टाइगर का देखो लेटिन ट्रे भिगो दिए हैं, इसका पाउडर भी भिगो दिए हैं, आज धो देंगे टाइगर का लेटिन ट्रे, अच्छे से सफाई कर देंगे। और टाइगर के लिए यार मैं अभी सोच रही हूँ कि घर का काम क्या करूँगी वो तो बाद में, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि टाइगर को ना आज, मतलब टाइगर के लिए ये खिड़की जो है हमारे उस रूम का खिड़की जो है, तो वो मैं क्या करूँगी, एक तार है मेरे पास, मैं दिखा रही हूँ, निकाल रही हूँ बस थोड़ी देर बाद मैं निकाल रही हूँ उसको। देखो ये वाला मैं निकाली हूँ, अभी मैं थोड़ा सा मिस्त्री करूँगी, हाँ मिस्त्री बन जाऊँगी। तो ये वाला से मैं क्या करूँगी, अच्छे से पूरा जो खिड़की का गैप है ना, ज़्यादा ज़्यादा है, चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों, अंधेरा अंधेरा हो गए ये, वही वाला काम करूँगी आज, मैं यही सोच रही हूँ पहले से ये कर दी, क्योंकि देखो मैं और राय जी ऐसे रहते हैं ना, खिड़की ज़्यादातर टाइम ये हमारा बंद रहते हैं, तो टाइगर तो बाहर नहीं कर पाते हैं उतना, लेकिन ये सब लोग जब आएंगे ना तो सबका तो आदत नहीं होते ऐसे खिड़की बंद कर रहे, जैसे कि मेरे जो असम में जो है खिड़की विड़की बहुत बड़ा बड़ा है, सब खोल के रखने का आदत है उन लोगों का, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ तब तो खिड़की खोल के रखेंगे, मेरे टाइगर का क्या हो जाएगा यार। इस बार मैं सोच रही हूँ ये देखो यहाँ का जो गैप है ना, ये वाला छोटा छोटा है, लेकिन ये जो गैप है ना ये बड़ा वाला है, तो मैं क्या करूँगी उस तार की मदद से पूरा एकदम बंद कर दूँगी, थोड़ा सा मिस्त्री करूँगी। वैसे ये सब काम मैंने अपने पापा से सीखा है, मिस्त्री वगैरह का काम थोड़ा थोड़ा, तो मैं ये वाला करूँगी तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को ठीक है। अभी तो बच्चा मेरा सो रहा है, मैं टाइगर बच्चा दिखा दूँ आप लोगों को, पापा हाय बोलो ना धनु माँ, तो थोड़ा थोड़ा हाय बोलोगे, आ दिस्ता हो गया यार बच्चे को, डिस्टर्ब हो गई मेरी बाबू को, झुझू झुझू को झुझू 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 ठीक है सो। तो गाइज अभी तो टाइगर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, खाना वाना तो खिला दिया टाइगर को, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके क्या क्या काम करना पड़ेगा अभी मुझे, वो सब करूँगी। और
मस्त कलर है यार, राइजी होते तो अच्छा होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और गाइस आज ना मुझे ना ये मार्केट पे थोड़ा सा जाना था, मतलब बाजार बाजार घर के लिए सामान वगैरह राशन वगैरह लाना था, लेकिन यार मैं तो अभी तो पूरा 12 बज गया है तो पूरा सब बंद हो गया है, तो अभी जो कि कोई फ़ायदा भी है नहीं, और ऐसी बारिश आ रही है, तो राइजी बोला कि तुम अभी मत निकलो, ऐसे सामान हाथ में रहेगा तो दिक्कत हो जाती है बारिश में, तो देखती हूँ शाम को शायद मैं अकेले ही चली जाऊँगी, राइजी तो आएंगे रात को, तो रात को बज जाएगा क्या फ़ायदा है ना, तो मैं शाम के टाइम पे चली जाऊँगी ऐसी सोच रही हूँ। तो ठीक है गाइस, चलो अभी तो मैं बता दी सुबह सुबह मैं क्या कर क्या रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपना जूस जो है पी लेती हूँ, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो भी काम करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और अगर रात को रायजी आती है तो हम दोनों मिल के भी कोई काम करते वो भी दिखाएंगे। ठीक है चलो फिलहाल मैं इसका मज़ा लेती हूँ इस ठंडे ठंडे वेदर पे, ठीक है, उसके बाद फिर मिलते। टाइगर टाइगर तुमको ठंड लग जाएगा बाबू, टाइगर इधर ना रहो, टाइगर भीग जाओगे बच्चा मेरा, जाओ अंदर जाओ तुम, ये देखो कितना बात सुनते हैं मेरे टाइगर। तो गाइज आप लोगों को बोलते बोलते देखो कैसे बारिश आ गई यहाँ पे, जोरों शोरों से बारिश आ गए, तो मैं बस इसी का वेट कर रही थी कि कब बारिश हो जाएंगे, तो देखो आ ही गया है। ठीक है चलो अभी जैसे भी हो बारिश हो, और मैं धीरे धीरे अपना काम करती हूँ, ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं। हे गाइस अभी तो शाम हो चुके हैं और शाम के अभी 7 बज चुके हैं, राय जी मुझे अभी थोड़ी देर पहले कॉल किए हैं, बस स्टॉप पे तो उतर गए हैं राय जी, तो आ ही रहे हैं, बस 5 मिनट में आ जाएंगे। तो गाइस अभी तो मैं शाम का खाना वाना बनाऊंगी, मतलब स्नैक्स बनाएंगे अभी, तो स्नैक्स के लिए मैं अभी बनाऊंगी फ़िश फ्राई, तो काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, मैं तो ज़्यादातर बनाती ही नहीं हूँ फ़िश फ्राई, तो राय जी मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन करके बोले कि तुम मुझे आज फ़िश फ्राई खिलाओ ना, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब लोटे फिश है घर पे थोड़ा सा ही है, तो मैं उसको सोच रही हूँ कि फ़िश फ्राई बना लूँगी, तो अभी बस उसको मैरिनेट करके रख के आई हूँ मैं, तो अभी बनाएंगे और गर्मा गर्म राय जी आएंगे तो देंगे उनको, ठीक है, तो चलो किचन में चलते हैं और जल्दी से बनाते हैं। और गाइस मैं तो मतलब वो टाइगर का जो खिड़की का काम है वो मैं कंप्लीट की हूँ, लेकिन अभी तो अंधेरा हो गए हैं, अभी क्या दिखाऊँ, मैं कल दिखाऊँगी, ठीक है आप लोग को, तो बनाए हैं लेकिन थोड़ा सा और बाकी है उस पर काम, थोड़ा सा और लगेगा, मतलब नीचे का कुछ उस पर ना बिछाना पड़ेगा, तो वही वाला देखेंगे कल क्या करते हैं, लेकिन वो तार का जो काम है वो मैंने कंप्लीट किए हैं आज, तो ठीक है चलो अभी जल्दी से फ़िश फ्राई बनाते हैं। तो गाइज ये देखो मैं तो फ़िश को निकाल ली हूँ, और ये फ़िश को ना मैंने मैरिनेट कर लिए है मसाला लगा के, और यहाँ पे देखो बैटर भी रेडी है, और यहाँ पे देखो तावा भी एकदम गर्म है, ठीक है, तो ऑयल भी डाल दिए है, चलो फटाफट बना लेते हैं इसको, देखो चलो बस ये तावा में जाएंगे और बन जाएंगे, चलो एक एक करके बनाना पड़ेगा, ये देखो तो अभी तो फिश फ्राई एकदम रेडी हो गए हैं, ठीक है, तो चलो राय जी के लिए लेके जाते हैं, ये देखो यम्मी यम्मी खाना, कौन कौन खाएगा जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइगर बाबा को खाना है क्या, तुम जो ये फिश नहीं खाते हो, तुम जो नहीं खाते हो बाबू, लोटे फिश खाते हो तुम, नहीं खाते हो, ये तुम्हारा तो है नहीं बाबू। तो गाइस टाइगर तो नहीं खाते ना ये सब, बस देख रहे थे, खाना लेके जा रही हो, ये देखो हो गया, हाँ लेके आ गई मैं तुम्हारे लिए, ठीक है आ जाओ गाइस, ये बारिश की मौसम में ये फिश फ्राई, हाँ मतलब इतना मन हो आवाज खाने के लिए कि क्या बताए, यार ने तो बना भी दिए है, हाँ यहाँ पे देखो चाय रेडी है हमारा, हाँ चाय, और यहाँ पे देखो ये चीज है, सॉस है, प्याज है थोड़ा सा, जो भी चाहिए रहे जी खाएंगे, ठीक है, बहुत सारा बना दिया प्रिया, टेस्ट करके तो बताओ, हाँ बहुत सारा बना दिए, तो पूरा बना दिए तुमने, हाँ बना दी हूँ, टेस्ट करके बोलो, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, ये लोटे फिश है, ठीक है, इसका फ्राइज मुझे बहुत पसंद है, ठीक है गाइस, तो हम लोग खा लेते हैं, हाँ तो आप लोग भी हाँ हमारे साथ खाओ।
तो गाइस दोनों मिलके तो जबरदस्त खाना खाए एकदम। और फिश फ्राई खाए, मतलब या तो बनाती नहीं है ऐसे, तो फिश का जो है कड़ी बनता है घर पे। हाँ जी, मुझे तो बोलते रहते कि फिश फ्राई बना दो, ऐसे बेसन ऐसे बोलते रहते, लेकिन मैं ज्यादातर मतलब क्या होता है ना, मैं सोचती हूँ कि चलो मैं फिश कड़ी बना देती हूँ, अच्छे से खा, मतलब राइस जो है खा पाएंगे, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। चावल और कड़ी के बारे में सोचती हूँ। नहीं राया जी वैसे सही बोला है, फिश फ्राई करने से अच्छा ही लगता है वैसे। ठीक है चलो, मैं तो वैसे तुम तो इतना फिश लाते, पूरा करी बना देते, ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत रख के ऐसे फिश फ्राई बना देंगे शाम को। वैसे भी मैं वही बोल रहा, तुम तो बोलने ही दे रही हो, जो भी हो मैं यही बोल रहा कि आज वेदर इतना मस्त है ना, उसके साथ ये फिश फ्राई और चाय एकदम जम गया। हाँ अच्छा लगा। वैसे मैं सोच रही थी कि मिल्क वाला टी बना देंगे, लेकिन मिल्क वाले से अच्छा नहीं लगता, ये वाला लिकर टी अच्छा लगा हम लोग। वैसे हम लोग तो ज्यादा लिकर टी पीते हैं, अच्छा लगता है हम लोग को, उस पर शक्कर वगैरह कुछ नहीं डालते है, पता है, सिर्फ चाय की पत्ती रहती है और कुछ नहीं, और पानी, बाकी हम उसके अंदर ज़्यादा अदरक दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं, लेकिन चाय की पत्ती जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, तो बस सही है। और गाइस शाम को तो मैं बोली थी कि मैं बाजार जाऊँगी, लेकिन इतना बारिश हो रहे थे तो ये है ना राय जी मुझे जाने नहीं दिए है। क्या करोगी जाके, ऐसे घर में भी बहुत सारा काम जो है करने वाली थी, मैंने ही मना कर दिया। एक्चुअली मेरा भाई तो आ रहा है, आप लोगों को तो शेयर किया ही है सब, तो घर थोड़ा सेट करने का बारे में सोच रहे थे हम लोग, ठीक है, लेकिन अकेले करने का दरकार नहीं है, मैं जिस दिन साथ में रहूंगा तो एक ही दिन में कर दूंगा। कब रहोगे? रहेंगे कभी, नहीं रहेंगे तो जब आऊंगा ऑफिस के बाद आऊंगा, रात में कर दूंगा, लेकिन इतना आगे करने का दरकार नहीं है, वही बोले अभी तो है टाइम चाहिए। वैसे मुझे ना आजकल मतलब काम करने में डर लग जाते हैं, ये बस इतना थकान हो जाते हैं मेरा, मतलब क्या बताओ, इसलिए मैं ये फैन वैन साफ करना पड़ेगा, पता है पूरा एकदम धूल मिट्टी जम गए, ये सब साफ करना पड़ेगा, तो बहुत सारा काम है अभी भी। और गाइस आप लोगों में से मतलब किसी ने कमेंट किए हो, ये कमेंट देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लगे है, ठीक है, तो चलो उस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो कमेंट किए हो कि मतलब मैं पिछले वाले ब्लॉग पे आप लोगों को दिखाई हूँ कि हम लोगों ने थोड़ा सा शॉपिंग किए है, तो इस वजह से कमेंट आए है, उस पर लिखा है कि मतलब प्रिया टाइगर के लिए कुछ नहीं लिए हो, वो भी तो तुम्हारा बच्चा है, ऐसे बोले हो, तो मैं आपको ऐसे बोलूँगी कि ऐसे मत बोलो, मुझे मतलब ये कमेंट पढ़ के अच्छा नहीं लगा। वैसे कि आपने बोला कि प्रिया वो तो तुम्हारा बच्चा है, देखो बच्चा है, मेरा ही बच्चा है, लेकिन मेरे बच्चे को मैं जानती हूँ वो कैसे है। टाइगर एक्चुअली कुछ भी अपने शरीर में नहीं रखते, कुछ भी नहीं, मतलब उसके लिए कपड़ा भी खरीदना चाहूँ ना तो वो भी बेकार हो जाएगा, मेरे बच्चे पहनते ही नहीं है कुछ, उसके गले में मैंने पता है एक बार मतलब एक प्यारा सा एक मतलब लॉकेट ऐसे उसको दिया था, वो देने के बाद मुझे कितना डर लग गया था पता है, पूरा ऐसे खींच के मुंह में डाल के बोलो रहे जी, कितना मतलब उसका मतलब दिक्कत हो गया था, मेरे बच्चा बॉडी में कुछ नहीं रखते, और एक बार रक्षाबंधन के टाइम वो राखी पहनाए थे, तो वो भी यार उसके गले मतलब हाथ पे ऐसे फंस गया था, उसके बाद गले में फंस गया था, बॉडी में फंस गया था, ऐसे मतलब उछल रहा था, पैर पे मतलब दिक्कत हो रहा था उसको। और मैं एक बार ट्राई भी की थी उसको एक कपड़ा पहनाने की, तो यार वो भी वो नहीं पहन टाइगर कुछ नहीं रखते, नहीं रखते उसका बॉडी में कुछ, तो ऐसे ना बोलो कि तुम्हारा बच्चा है तुम उसके लिए कुछ नहीं रखो, ऐसे ना बोलो यार, मुझे टाइगर को जो पसंद है जैसे कि वो वैसे आपको ग्रेवी वगैरह होता है ना जो कैट फूड होता है वो सब वो उसको वही अच्छा लगे, तो हमें टाइगर को वैसे किसी भी चीज की कोई भी कमी मैं नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा तो बोली हूँ आप लोगों को, मैं टाइगर को मैं ज्यादातर मतलब ताजा ताजा फिश खिलाती हूँ, उसको पता है खाने के टाइम पे उसका जो फिश है ना पूरा काटा जो होते हैं ना, मैं कभी भी एक भी काटा मैं टाइगर के मुंह में अभी तक नहीं डाली हूँ, उसको पता है मतलब बांटने के लिए मुझे आधा घंटा लग जाते हैं, टाइगर का जो पीस मैं मतलब फिश देती हूँ चार पीस मानो दे रही हूँ, चार पीस का पूरा काटा बांटने में मुझे आधा घंटा लग जाते है पता है, सब कुछ करके मैं टाइगर को खिलाती हूँ, मैं टाइगर के मुंह में एक भी काटा नहीं डालती हूँ, और ये जो खरीद के जो खाना वाना खिलाते हैं राय जी का शौक से वो मतलब उसका कैट फूड जो होते हैं वो सब लाके देते हैं पता है, ट्रीट आता है बहुत सारा ट्रीट आता है उसको अच्छा लगता है, जो उसको अच्छा लगता है खान पान ज्यादा करना पसंद है तो वही हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे बच्चे को, ऐसा नहीं है कि मेरा भी तो मन होता है कि मैं टाइगर को अच्छा अच्छा कपड़ा वपड़ा पहनाऊं, लेकिन मेरा बच्चा है ही ऐसे, लेकिन आपने बोले हो मेरे
तुम्हें टाइगर से प्यार करते हो तभी ना बोले हो। हाँ, तो लेकिन फिर भी मुझे यार अच्छा नहीं लगा ये वाला कमेंट, तो बुरा मत मानना इस बात पे मैं बात की हूँ, ठीक है। तो मेरे बच्चे के लिए मैं क्यों नहीं करूंगी बोले तो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये खुद सही नहीं पता, लेकिन ठीक है चलो फिर भी आपने कमेंट किया हो तो देखते ये विंटर के टाइम एक बार ट्राई करेंगे, दिखाएंगे लाइव दिखाएंगे, चलो एक बार लाएंगे। आपने ऐसे बोले हो तो मैं ठीक है देखते है लाइव करेंगे, टाइगर को पहनाएंगे, देखेंगे क्या करते है, ठीक है टाइगर। तो हम विंटर पे ही करेंगे, ठीक है। तो चलो आपकी बात ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो अभी तो यार मुझे तो खाना वाना बनाना है, रात का खाना बनाना है। तो मतलब बाजार तो कुछ किए नहीं है, घर पे अंडा है तो मैं अंडा ही बनाऊंगी। हाँ वही बनाओ, और क्या, फीस तो खा ही ले और दरका नहीं है कुछ करने का, तो अंडा ही कर दो। हाँ अंडा बना देते आज, ठीक है। तो अभी तो चलो किचन में चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं। चलिए जी, में कुछ करने जाते यार मेरा काम बिगाड़ देते है, तो मैं कैसे इनको, हाँ मैं कैसे इनको बोलो काम करने दू, बिगाड़ते है हमेशा, ठीक है। चलो हेल्प करते तुम्हारा फिर। चलो गाइस देखो हमारे टाइगर को क्या हुआ है, ये देखो खेलने लगे टाइगर कैसे, ये देखो पूरा ही है लाइट का पूरा, देखो कैसे तोड़ दिया टाइगर, ये देखो क्या कर रहे हैं, बिगड़ गए हैं मेरा बच्चा, देखो कैसे क्या बता क्या हो गया टाइगर, हुआ क्या है, एक्साइटमेंट क्यों, ये देखो एक्साइटमेंट लेवल देखो हमारे टाइगर को, क्या हुआ बच्चा अचानक से क्या हो गया, हाँ टाइगर को बापरे क्या हुआ टाइगर, अचानक से क्या हो गया रे बच्चे का, ओ ओ बाबा टाइगर ये क्या कर रहे है टाइगर ऐसा, ओ मांगो डर गई तो मैं टाइगर, हाँ क्या हुआ तुमको यार बच्चे मेरा, अब बाबू क्या हुआ तुमको टाइगर, ये देखो लाइट वाइट सब खोल दिए टाइगर ने, ये तो तोड़ भी दिया है राजा जी, देखो ये नहीं चलेगा अभी, कट गया है देखो ये लाइट शायद, खोल दिए चो तुम्हें बस चो एबार शांत हो जाए देखे আর খেলবে না, ঠুনু বাবু ঝুনু বাবু ধুনু বাবু ধুনু বাবু ধুনু বাবু ও বাবু ও বাবু। সো গাইস বিবি তো কিচেন পে আ গই হ্যায় খানা বানানে কে লিয়ে, আজ তো ঘর মে ফিস বগড়া কুছ নেই হোগা, ঠিক হ্যায় আজ হোগা अंडा, हाँ अंडा होगा। तो मैडम जी आ गई है, अभी बनेगा अंडा करी ना, हाँ आलू तो फ्राई हो गए हैं, हाँ ये तो लगभग हो ही गया है फ्राई, उसके बाद जो है ये सब मसाला वगैरह सब रेडी है, ये क्या अदरक और लहसुन का ये पेस्ट हो गया है ना, प्याज भी है, प्याज भी है, ठीक है ठीक है, बनाओ फिर। Thank you.
तो खाना परोस दिए है और मैंने आज बनाई है ये डीमेर कोशा, ठीक है। तो अंडा करी है तो राय जी आओ ना बाबा, भूखे मारे जान जा रहे हैं। वैसे तो गाइस ये देखो आज तो बस यही है और कुछ नहीं है, आज के तो कुछ नहीं, डीमेर कोशा और भात, ठीक है। खेते लागबे बेसी खन टाइम ना, एकदम फटाफट खेने नेबो, फटाफट खेने नेबे। हां हां यस, थोड़ा पानी पी लेते पहले यार, पियो। तो गाइस मुझे भी बहुत भूख लग गए है यार। चलो आ जाओ, आ जाओ घर। तो हाँ थोड़ा मैं टेस्ट करके बताता हूँ तुमको कैसा है। हाँ वही मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। नहीं करेंगे ना तब तक फिर नहीं बैठेगी। हाँ नहीं तो मैं फिर बोलूंगी तुम तो आज खाके नहीं बताए हो कैसे बनाई मैं, है ना। ये तो सूखा हुआ अंडा है, ठीक है। मैंने ही कहा कि थोड़ा इतना ज्यादा ग्रेवी, हाँ थोड़ा सूखा सूखा ही अच्छा लगता है। रिजल्ट हो रहा है जी, बनाते हुए एकदम कमाल हो जाता है। हाँ सच्ची में अच्छा बनी है, ठीक है गाइस। तो चलो अभी खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है, अभी आओ। हे गाइस हम लोग तो खाना हो गए हैं और अभी तो राजी और टाइगर, टाइगर तो इधर उधर है। क्या हुआ, क्या हुआ टाइगर, क्या कर क्या रहे हो। तो गाइस यहाँ पे ये देखो राजी तो सो गए है और ये देखो बारिश देख रहे थे बाहर और ऐसे खिड़की खोल के रखे है। तो ये देखो गाइस वैसे मैंने ये तार से ऐसे फिट किया, देखो ये देखो मैं बोली थी ना आप लोगों को दिखाऊंगी लेकिन तो अंधेरा हो गया था इसलिए नहीं दिखाई थी। ये देखो यहाँ पे चारों तरफ जहाँ जहाँ गैप ज़्यादा था तो मैं ऐसे तार से ऐसे करके दी हूँ, जितना हो सका मुझे वैसे ही किया। यहाँ पे देखो देखा चारों तरफ करके दिए है, बस नीचे का ना नहीं हुआ, तार ख़त्म हो गया था तो नीचे का भी करके फिर कुछ बिछा देंगे यहाँ पे ताकि टाइगर यहाँ पे बैठ पाए ऐसा कुछ, ठीक है। वो कल करेंगे देखते। तो जी तो यश हो गए, इनको नहीं बुलाएंगे अभी। तो गाइस चलो अभी तो मैं भी फ्रेश होके थोड़ा सा सो जाऊंगी, मुझे भी नींद आ रही है, टाइगर को लेके सो जाएंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं करेंगे, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और तब तक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगे हैं, क्योंकि आप लोगों के एक एक कॉमेंट से मुझे मिलते हैं मोटिवेशन। सो कॉमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा।